हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और आप आए हैं शालिनीज किचन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी सी पिज्जा की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 5 से 7 मिनट में बना के तैयार करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल शालिनीज किचन को और इस बेल आइकन पे क्लिक करें और देखें मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, इस किड्स स्पेशल वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैंने एक पैन में ले लिया है 1 चम्मच के करीब तेल। तेल में हम सब्जियों को हल्का सॉटे कर लेंगे। तो आप अपनी पसंद की सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया है शिमला मिर्च, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। साथ में ऐड कर रही हूँ प्याज, टमाटर, इन्हें हम 30 से 40 सेकेंड्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे। सब्जियां हमारी हल्की फ्राई हो गई है, तो अब मैं डाल रही हूँ ओलिव और इसे हम अच्छे से मिक्स करके 10 सेकेंड्स के लिए बाकी सब्जियों के साथ हल्का सॉटे कर लेंगे। सब्जियां हमारी रेडी है, तो इसे निकाल लीजिए, फ्लेम को बंद कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिए हैं 3 अंडे, इसे फोर्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ में ऐड कर रही हूँ नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक मिश्रण रेडी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक पैन में 1 चम्मच के करीब तेल को पूरी पैन पे इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। फ्लेम को लो पे रखा है और एग वाली मिश्रण को पैन में डाल दीजिए। साथ में मैं स्प्रेड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने 4 व्हाइट ब्रेड लिए थे, जिसे मैंने माइक्रोवेव किया है 10-15 सेकेंड्स के लिए और फिर मिक्सर जार में डाल के इसे बहुत ही बारीक पीस लिया था। और एक स्पैचुला की मदद से इस तरीके से हल्के हल्के पैट कर दीजिए। एक साइड से ये सिक गई है, तो चलिए इसे फ्लिप कर लेते हैं। और नेक्स्ट मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ पिज्ज़ा सॉस। आप चाहें तो पिज्ज़ा सॉस घर पे भी बना सकते हैं या ये मार्केट पे भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इसे इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 क्वांटिटी मोजरेला चीज़ की। आधी क्वांटिटी को हम बाद में यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से बेस पे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ फ्राई की गई वेजिटेबल्स। साथ में ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, रेड चिली फ्लेक्स, बची हुई जो हमारी मोजरेला चीज़ है वो भी ऐड कर दीजिए। नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके ढक के हम इसे 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही कुक कर लेंगे। 3 मिनट के बाद ये देखिए दोस्तों, हमारी एग पिज्ज़ा बनके तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे बच्चों की इवनिंग स्नैक्स या फिर लंच बॉक्स में भी आसानी से बना के दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक टेस्टी इवनिंग स्नैक्स या लंच बॉक्स की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।